कॉफी और बाकी है नूडल्स है दैट इज मींस आपको डिनर खाली है मुझे पता है बोर्ड अच्छी दिख रहे हैं ये फ्रॉम स्पेन राइट सामने मैंने आइसक्रीम ली है कोकोनट शेल में ये है और ऑमलेट आ रहा है एंड देयर इज जूस चाय कॉफी और बाकी है नूडल्स है दैट इज ये सब का ही अभी कोई बोटिंग के लिए एक पेयर है जहाँ से बोट्स निकलती है मींस जो इवनिंग में आपको डिनर के साथ ये लोग मखाओ रिवर में घुमाएंगे वो सारी बोट्स यहाँ है ये सारी शाम को आपको मखाओ में लाइटिंग के साथ टूरिस्ट के साथ दिखेंगी यहाँ का कोई मंदिर है वाट मैंने होटल में से चेकआउट कर दिया है करने को वैसे कुछ बहुत काम नहीं है तो एक वाटरफॉल टूटा हुआ है तो वहाँ पे बाइक नहीं जा रहा है चल के जाना है तो मैं बाइक लेके जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक जा सकता हूँ और फिर देखता हूँ अगर पहुँचता हूँ तो सिर्फ टाइम पास करना है मुझे 6 बजे तक शाम को अभी 2:30 बजे है सो ये पार्किंग है कोई और वाटरफॉल में आ गया मैं मालूम नहीं कौन से वाटरफॉल में आया ये पार्किंग में से यहाँ पे जाना है मैं कहीं और कुछ दिखा रहा था है तो वाटरफॉल ही आवाज आ रही है पानी की देख सकते हैं प्लेस टू रिलैक्स पिकनिक विकनिक कर सकते हैं आप आके और ऊपर जा रहा हूँ
कुछ और क्रेजी थिंग्स है यहाँ पर शायद। और भी आगे है, ये सारे यहाँ पे नहा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह बनी है, क्रेजी पार्टी इज गोइंग ऑन। यहाँ के लोकल लोग यहाँ के लोगों लोकल लोगों के लिए एक शायद पिकनिक स्पॉट है। बहुत ही अच्छी जगह है, आप आराम से एक आधा दिन या पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। नाम तो मुझे भी मालूम नहीं है कौन सा वाटरफॉल है, मैं थोड़ा देख के बताऊंगा आप लोगों को कि ये कौन सा वाटरफॉल है। बच्चों ने मुझे नाम बताया कि भाई यहाँ का ये वाटरफॉल है वो है व्हर्लपूल, व्हर्लपूच। यू पीपल स्टडी विच स्टैंडर्ड विच क्लास फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओके सो दिस आर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, व्हर्लपूच ये वाटरफॉल का नाम है। एंड यहाँ भी थोड़ी लाइट लगाई हुई है, गुड वन। अच्छा एक वाटरफॉल है जहाँ पे आप एक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। तो कभी भी आप आना चाहो तो यहाँ पे आधे दिन का टाइम लेके आओ कि जहाँ पे आप आराम से आधा दिन या पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा खाना वाना सब लेके आप आ सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसी झुग्गियाँ आपको भाड़े पे मिलती है या खाली है मुझे मालूम नहीं है। आप अपना डेरा डाल के वहाँ पे बैठ के आराम से, मैंने कितने लोगों को देखा कि वो अपनी अपनी झुग्गियों में वो कैसे मिलती है वो मुझे मालूम नहीं, रेंट लेते हैं या ऐसे ही आप खाली पड़ी होगी वहाँ पे जाके आप अपना डेरा जमा दीजिए। पर आधा दिन एक दिन 100% बनता है। जैसे मैंने बताया ये झुग्गी खाली पड़ी है, शायद आप इधर अपना डेरा डाल सकते हैं एंड पूरा दिन नाश्ता वास्ता खाना पीना पार्टी जो भी करना है। ये एक और झुग्गी यहाँ पे, हर एक जगह पे काफ़ी जगह पे ऐसे हट्स जैसे बने हुए हैं, खाली है। आप अपना डेरा जमा के बैठ जाइए, पार्टी वार्टी खाना बाना जो भी आप लेके आना चाहते हैं, म्यूज़िक व्यूज़िक वो सब यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं और आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो बैक टू द पार्किंग। पार्किंग के मैंने 2000 रियल दिए, यानी बहुत ज़्यादा हो गए 2000 रियल, यानी ऑलमोस्ट लाइक 25 रुपीज़ सिर्फ थोड़ी देर पार्क करने के। बट एनीवेज एक नई जगह देखने को मिली, नया कुछ जानने को मिला, व्हर्लपूच वाटरफॉल। अब वापस चला जाए सिटी में और कुछ खाया जाए। थोड़ा जितना हो सका उतना लेट खाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि रात को वापस से भूख न लगे। बस में बस कहाँ रुकेगी, कैसा खाना होगा कुछ मालूम नहीं है, या तो मैं मार्ट से थोड़ा कुछ ले लेता हूँ साथ में। मेरा भाई रसोई आ चुका है, यहाँ से मैंने एक चिकन लेग लिया था, स्पाइसी वाला फ्राइड चिकन लेग। यहाँ पे मैंने राइस और चिकन ऑर्डर किया है और ये बनाना शेक चिकन राइस बन के आ रहा है। चिकन फ्राइड राइस आया है, उसके साथ मैंने ये नम थम चिली सॉस, नम थम चिली सॉस ये ऐड किया है। थोड़ा चिली है तो वरना इन्होंने जो मुझे सूप दिया था चिली सॉस, ये भी स्वीट है। अभी 7 बजे मेरी सीएम रेप की बस है और यहाँ से थोड़ा करीबन 1 किलोमीटर जितना चल के जाना है सामान वामान लेके। मैं सोच रहा था 6:15 बजे निकलूँ यहाँ से, तो 6:30-7 तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। टिकट्स मैंने कलेक्ट कर ली है, देखता हूँ 6 बजे निकल जाऊँगा ताकि थोड़ा जल्दी पहुँचूँ, वहाँ जाके बैठूँगा। और सीएम रिप मुझे वो सुबह करीबन बोल तो रहे हैं कि 6:30 बजे पहुंचा देगी
एंड सबसे अच्छी बस जो यहाँ की है स्लीपर बस है और मैंने उसमें सिंगल स्लीपर लिया हुआ है। सो मैं निकल गया हूँ एंड वॉक करके जा रहा हूँ बस स्टॉप की ओर जहाँ से मेरी बस निकलने वाली है। जायंट इबिस उसकी बस है, उसने 6:30 बजे पहुँचने को बोला था, 6 बजे हैं अभी, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं, थोड़ा जाके वहाँ बैठूँगा और क्या, आजू बाजू मैं वहाँ पर टहलूँगा। या सो अगेन ये मुझे मिल गई है फ्रॉम स्पेन राइट? यस। या वी वेर टुगेदर खतरनाक बोट ट्रिप कॉर्न रॉन्ग सलाम बड़ी मुश्किल से बचे थे जहाँ पे और हम लोग कंपोर्ट में मिल गए अभी। एंड मैं जा रहा हूँ अभी सीएम रिप एंड शी विल बी हियर फॉर वन मोर डे आई थिंक सो राइट? यस। ओके सो सी यू हैव अ नाइस ट्रिप एंड एंजॉय योर ट्रिप। यस। सो कहाँ कहाँ से कौन कौन मिल रहा है यार, वापस से सब मिल रहे हैं। कल परसों मुझे कल कोरोंग वाला एक बंदा मिल गया था, आज ये मिल गई वापस से। अब सीएम रिप में शायद कोई नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ये लोग सबसे पहले सीएम रिप में आते हैं एंड फिर नॉम पेन से निकल जाते हैं और मैं उल्टा डायरेक्शन में कर रहा हूँ, नॉम पेन से आया और अब सीएम रिप जा रहा हूँ, तो अब शायद मुझे वहाँ पे कोई पहचान वाला नहीं मिलेगा, सारे बंदे नए ही होंगे। हमारी बस आ चुकी है, बस for choosing to travel with us tonight. Yeah, so in this moment, I would like to introduce our staff to you. We have two driver. Yeah, first one, Mr. Sopiron, and second driver, Mr. Sophan. And I am, my name, Yud Chaya, your handsome crew attendant. Yeah. I will have you a long way to Phnom Penh and Siem Reap province also. If you have any questions. इस बस यहाँ पे 10:30 बजे आएगी, आगे के शॉप से लोगों को लेते हुए तो हम लोग को यहाँ पे छोड़ा है। सामने है नॉम पेन का नाइट मार्केट जो मैंने आपको दिखाया है, मैंने आइसक्रीम ली है कोकोनट शेल में, मैजिक स्टिक आइसक्रीम नाइट मार्केट से।